एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. लिसन टू मी केयरफुली. अगर मैंने कोई डिस्क ले लिया और मैं उस डिस्क को रोटेट करा रहा हूँ अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा वो भी इसी एक्सिस के अबाउट लिखा जाएगा एंड द टॉर्क दैट यू विल गेट विल ऑल्सो बी अबाउट द सेम एक्सिस. ठीक है, मतलब इस केस में इफ आई हैव टू यूज द इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा एंड आई हैव चोजन दिस हैज टू बी माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो आई राइट द टॉर्क एज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क. क्लियर? लेकिन अगर यही डिस्क, इफ यू टेक द सेम डिस्क एंड यू रोटेट द सेम डिस्क अबाउट सम अदर एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट्स से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट यू आर रोटेटिंग द डिस्क, अगर आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट डिस्क को रोटेट कर लेंगे, देन इन दैट केस you will have to take the moment of inertia about this given axis of rotation, right? Ab aap mr square by 2 nahi likh sakte, ab jo aapka moment of inertia hoga that will not be mr square by 2, that will be something else. Wo kaise nikalenge? So you can find that by using the parallel axis theorem. Agar aapko yaad hoge what it was the parallel axis theorem, if you remember that, so using that parallel axis theorem you can find the moment of inertia. Is it clear? Yes sir. Is it clear to all? Please, I need the response from each and every one of you. ठीक है, तो ये जो moment of inertia होगा कितना होता है, तो parallel axis theorem लगा सकते हो. If you don't remember the parallel axis theorem, अभी मैं इस पे question कराऊंगा, पहले मैं जो basic बातें समझा रहा हूँ, please try to understand that. ठीक है, इस पे parallel axis theorem अगर आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? This is mr square by 2, which is about the axis passing through the center of the disk. एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस. ठीक है, तो इस केस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लगाएंगे आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम वी हैव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है, तो आप देखो जैसे मैं एक दो क्वेश्चंस कराता हूं आपको, टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा पे. लेट अस कंसीडर के वी हैव अ रॉड, लेट अस कंसीडर के वी हैव अ रॉड एंड लेट दिस बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच द रॉड इज मेड टू रोटेट एंड अस्यूम दैट दिस रॉड इज केप्ट इन द वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन का मतलब समझते हो? What is meant by this? No sir. फिर से इस बात को समझने की कोशिश करिए आप लोग भाई. अभी थोड़ी देर पहले I showed you this and again I'll show you. देखो मतलब this rod is hinged about this point. Hinge समझते हैं आप लोग? नहीं सर. Hinge कि ये रॉड रोटेट वो डोर में नहीं होता. डोर में देखा होगा ना आप लोगों ने कि डोर जो अपने घर के वुडन डोर्स जो होते हैं, वुडन डोर्स घर में जो अपने डोर होते हैं भाई लोहे का, वो ऐसा लगा होता है ना जिसमें स्क्रू टाइट रहता है. अगर उस स्क्रू को लूज कर दोगे तो योर डोर विल फॉल. सर मतलब इसमें अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मोशन नहीं होगा, बस लेफ्ट टू राइट जाएगा. अरे मतलब ये डोर 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 के एंड पे आपने कभी देखा है? डोर के एंड पे आज देखिएगा ऐसा होता है ना जिसमें स्क्रू लगे हुए होते हैं. यस सर. नहीं पल्लू पड़ा. अच्छा पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा. चलिए मैं आगे बात करता हूँ. ठीक है, हिंज का मतलब क्या है? हिंज का मतलब है कि वो पॉइंट या वो एक्सिस जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर सकती है. ठीक है, उसको हम हिंज कहते हैं. ठीक है. यस सर. इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर. चलिए सर, अगर आपको हिंज, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप ये देखें, इफ यू टेक दिस रॉड एंड यू हैव हिंज्ड दिस रॉड, दिस मींस दैट दिस रॉड कैन नॉट रोटेट बट दिस रॉड कैन रोटेट अबाउट
ये जो दो फिंगर से आप इस रॉड को पकड़िए और इसको हल्का सा लूज करिए, तो यू विल सी दैट दिस रॉड विल रोटेट अबाउट दिस. होगा रोटेशन. विल इट ट्रांसलेट और इट विल रोटेट? व्हाट विल हैपन टू दिस? विल इट ट्रांसलेट और विल इट रोटेट? व्हाट डू यू से? सर रोटेट. भाई सब नहीं बोलते हैं यार. ऑब्वियसली इट विल रोटेट राइट. इट कैन नॉट ट्रांसलेट. देखो हिंज्ड बॉडी जो भी होती है वो ट्रांसलेट नहीं कर रही, वो सिर्फ रोटेट कर रही. तो रोटेट कर रही है. तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि अगर ये रॉड ऐसे है एंड इट कैन ओनली रोटेट बट इट कैन नॉट ट्रांसलेट, तो रोटेट भी करेगा तो देयर मस्ट बी सम टॉर्क. ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आए कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका मतलब दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन. ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिखाई दे रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. समझ में आ रही है बात आपको? Yes, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है टू दैट व्हाट? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. अब मेरा आपसे ये पॉइंट है कि ये वाला जो रोटेट करेगा तो अनडाउटेडली देयर मस्ट बी सम टॉर्क एंड फॉर द टॉर्क यू नीड टू हैव सम फोर्स व्हिच विल प्रोवाइड द नेसेसरी टॉर्क. कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि इस पे कौन सा फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक इट रोटेट? कौन सा फोर्स है जो इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा? यहाँ पर आपने दो फिंगर के बीच में आपने रॉड पकड़ा हुआ है. व्हेन यू जस्ट लूजन द फिंगर आप देख रहे हो कि ये रोटेट कर रहा है. तो माय सिंपलेस्ट क्वेश्चन टू यू इज कि व्हिच फोर्स विल प्रोवाइड इट नेसेसरी टॉर्क टू रोटेट? भाई कोई तो फोर्स होगा ना जो इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा. कैन यू टेल मी व्हिच फोर्स विल प्रोवाइड इट अ टॉर्क? पहले ये बताओ ये रॉड कैसे रखी हुई है? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर. पहले ये बताइए रॉड कैसे है? ये सबको समझ में आ रहा है भाई? इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज जस्ट होल्ड योर पेन बिटवीन द टू फिंगर्स. दो फिंगर के बीच में आप हॉरिजॉन्टली अपने पेन को पकड़ो सच दैट कि आपका पेन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने पेन को दो फिंगर के बीच में पकड़ो सच दैट कि आपका जो पेन है दैट इज हॉरिजॉन्टल and you are holding that with the two of your fingers. ठीक है? Yes sir. Yes sir. ठीक. अब देखो yes, तो उसको feel आ रही है. अब उसको तुम हल्का सा loose करो ना fingers को, बहुत tightly नहीं, हल्का सा loose करो. तो क्या आपको ये feel आ रही है कि वो उस point के about rotate कर रहा है? Yes sir. Sir friction से हो? नहीं नहीं, friction की तो बात ही नहीं है यहाँ पर. पहले तो ये बता दें आप, is it clear to all कि वो उस point के वो rotate करता हुआ दिखाई दे रहा है? Yes sir. Yes sir. I need the answer from everyone please. करता हुआ दिखाई दे रहा है ना? तो अगर वो उस point के वो rotate करता हुआ दिखाई दे रहा है तो there must be some force which would be providing the necessary torque to rotate about that point. कोई तो force होगा बेटा, बिना force के वो कैसे rotate कर सकता है? तो बेटे आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं ठीक से. ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं. अब मेरी बात सुनिए, वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स तो आपको हमेशा जीवन भर पता ही रहता है एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटी mg. नहीं समझ आया अभी भी? भाई आप इसको अगर ध्यान से देखो तो mg विल बी एक्टिंग एट द सेंटर और यही mg इज द ओनली फोर्स विच कैन प्रोवाइड अ टॉर्क टू दिस रॉड. समझ रहे हो? फील करो आप इस बात को. टॉर्क कौन प्रोवाइड कर सकता है यहाँ पर? तो mg इज दैट फोर्स विच कैन प्रोवाइड इट नेसेसरी टॉर्क. इज इट अंडरस्टूड? यस सर. ठीक है, तो इस फोर्स का टॉर्क निकाल लो. किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे? तो यू विल टेक द टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज एट द हिंज. जब भी हिंज वर्ड होना एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा. व्हेनेवर देयर इज अ हिंज ऑलवेज टेक द टॉर्क अबाउट द हिंज. ठीक है, यहाँ पर पहले एक बात और बताइए, क्या यहाँ पर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है? इज इट इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम और नॉट? बेटे क्या टॉर्क यहाँ पर रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग. यस सर. आप लोगों के टेस्ट होते हैं? यस सर है. आप लोगों के टेस्ट होते हैं? यस सर होते हैं. मतलब यहाँ पे होते हैं और आप लोग टेस्ट भी देते हैं, मार्क्स आ जाते हैं आप लोगों के? चलो एक बात बताओ, व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम?
आप लोगों ने कहा कि यस इट इज इन इक्विलिब्रियम. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम? रोटेटरी इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? हम कैसे समझें कि whether the body is in equilibrium or not? इक्विलिब्रियम की क्या खास बात होती है? So, उसकी रोटेशन की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो. अगर रोटेशन हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या तो रोटेट ही ना करे. तो मुझे एक बात बताइए कि अगर रोटेशन की वेलोसिटी कांस्टेंट होनी है, एक बात मुझे समझाइएगा कि अगर रोटेशन की वेलोसिटी इफ इट हैज टू बी कांस्टेंट, तो क्या क्या कोई अनबैलेंस्ड टॉर्क लग सकता है या बैलेंस्ड टॉर्क लगेगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बैलेंस्ड टॉर्क लगता है, मतलब नेट टॉर्क जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? जीरो. बच्चों अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछिए, वरना फिर इसी कहानी पे पूरी क्लास खत्म हो जाएगी. अरे भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट टॉर्क जीरो हो. यहाँ पर टॉर्क जीरो कहाँ है यार? देयर इज ओनली वन टॉर्क विच इज प्रोवाइडेड बाय एमजी. तो टॉर्क तो जीरो है ही नहीं. जब टॉर्क जीरो नहीं है तो इक्विलिब्रियम कैसे हो जाएगा? आप लोग कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम हो रहा है, कहां से इक्विलिब्रियम आ जाएगा बच्चे? भाई टॉर्क जीरो है क्या? जब टॉर्क जीरो ही नहीं है तो वेयर फ्रॉम यू विल गेट द इक्विलिब्रियम? तो अनडाउटेडली इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट टॉर्क जीरो हो. यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं है भाई, मतलब नेट टॉर्क जीरो नहीं है. टॉर्क है तभी तो वो रोटेट हो पा रहा है. There is torque, it was at rest. जैसे ही आपने उंगली को हल्का सा लूज किया, get rotated. तो इसका मतलब है कि भाई टॉर्क अनबैलेंस्ड है, या इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि टॉर्क या नेट टॉर्क इज नॉन जीरो. तो जब भी बॉडी, अब सुनो मेरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इफ द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है और बॉडी हिंज्ड है, आई रिपीट, if the body is not in equilibrium and body is hinged, hinged body hai, equilibrium mein nahi hai, to always take the torque about the hinge point. Phir se main repeat kar raha hu, agar body equilibrium mein nahi hai aur body hinged hai, to torque kis point ke about lenge aap? Hinge ke about lenge. Theek hai, is point ko likh le aap log. If the body is not in rotatory equilibrium, इस point को लिख लें आप लोग. If the body is not in rotatory equilibrium, if the body is not in rotatory equilibrium and the body is hinged, if the body is not in rotatory equilibrium and the body is hinged, then take the torque, then take the torque about the hinge. आप लोगों ने लिखा, if body is not in rotatory equilibrium and the body is hinged, then take the torque about the hinge. लिख लिया आप लोगों ने. लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए. इफ द बॉडी इज नॉट इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम एंड द बॉडी इज हिंज्ड, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि फॉर अ हिंज्ड, मतलब फॉर अ बॉडी विच इज हिंज्ड एंड इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ऑलवेज टेक द टॉर्क अबाउट द हिंज. इफ द बॉडी इज नॉट इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम एंड द बॉडी इज हिंज्ड, देन टेक द टॉर्क अबाउट द हिंज. अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है और बॉडी हिंज्ड है, तो टॉर्क आप किसके अबाउट लेंगे? तो यू विल टेक द टॉर्क अबाउट द हिंज. इज इट क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. यस सर. तो यहां पर बेटे हिंज है, उसी के अबाउट हम टॉर्क लेंगे. तो उसी के अबाउट टॉर्क लेंगे, तो देखो ये हिंज, मतलब जो हिंज है वही एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हुए यू विल टेक द टॉर्क अबाउट दैट. तो टॉर्क का फॉर्मूला मैं फिर से पूछूंगा तो मुझे मालूम है मायूसी होऊंगा, क्योंकि आप लोगों को
पता नहीं याद क्यों नहीं रहता है. एनीवेज टॉर्क का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ. टॉर्क वॉज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर आपको याद आए तो टॉर्क में हमने लिखा था टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पर mg, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो कि लेंथ ऑफ द रॉड आई एम टेकिंग इट एज l, लेंथ इज इक्वल टू मान लेते हैं l है और मास ऑफ द रॉड हम मान लेते हैं कि m है. ठीक है, तो mg इज द फोर्स, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी l बाय 2 और नॉट. भाई इसकी ऐसी डिस्टेंस जो रॉड से मतलब फोर्स से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस l बाय 2 होगी. बच्चों आराध्या कौशल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l बाय 2 होगी. नहीं समझ में आया तो बोलना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l बाय 2 होगी या नहीं होगी. देखो इस फोर्स को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, आई रिपीट, इस फोर्स को हम एक्सटेंड कर दें और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, कहाँ पर, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से एक ऐसी लाइन लो जो इस फोर्स पे परपेंडिकुलर हो. तो अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऐसी लाइन लोगे जो फोर्स पे परपेंडिकुलर है, तो आपको नहीं लगता कि ये डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड. आराध्या हरी अब जल्दी जल्दी बोलो. यस सर. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, एल बाई टू. तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, टॉर्क की वैल्यू हो गई एम जी टाइम्स ऑफ एल बाई टू. ये टॉर्क हो गया. हमें अगर अब इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अल्फा की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, कोई मुझे बता सकता है, कैन एनी बडी गिव मी एनी एडवाइस हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ अल्फा, एनी वन ऑफ यू. भाई हमें टॉर्क की वैल्यू पता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट इज अल्फा. तो बेटा टॉर्क पता है तो हमें पता है ना कि एज टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम जी एल बाई टू इज इक्वल टू आई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, और रॉड का अगर एक्सिस इज पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रॉड तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है एम एल स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा. अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे लिखा, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले सेक्शन में मैंने ये डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है कि अगर आपके पास रॉड है तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml square by 3 होगा इफ यू आर टेकिंग द एक्सिस एट द एंड ऑफ द रॉड. कहां पर ले रहे हो आप एक्सिस, एक्सिस आप ले रहे हो पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रॉड, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ml square by 3 होती है. अच्छा अगर ये सेंटर से पास होता तो क्या होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी को याद है? जीरो. इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो कैसे हो जाएगा यार, क्या आंसर दे रहे हो? सॉरी सर. What will be the value of moment of inertia if the same axis passes through the center of the rod? आप लोग पढ़ नहीं रहे यार, ये कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोगों को कि अभी तक moment of inertia की value याद नहीं हो पाई है? नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, प्लीज पढ़ना शुरू करें, ऐसे नहीं चलेगा. ये कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप कि अभी तक आप लोगों को moment of inertia याद नहीं हुआ है? भाई सेंटर के अबाउट ml square by 12 होता है. Yes. The moment of inertia about of the rod about the center or the axis passing through its center is ml square by 12 भाई. And के अबाउट it is ml square by 3. Whereas about the center it is ml square by 12. You have to remember this. मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर में कि you will have to remember the moment of inertia. Anyways, तो ml square by 3 into alpha लिख दिया हमने, तो यहाँ से m and this m will cancel out, this l and 1l will cancel out, alpha will be equal to what? 3g by 2l. This is the value of alpha. This will be the value of alpha in this case. Please try to solve. So please note it down so that we can take another question based on the same. Ab please padho yaar aap log, aise nahi ho payega. And I've already told you ki this is the difficult most chapter of whole of your mechanics. To waisi baat hai ki phir usko samajhne ke liye bhi aapko utna waqt to dena padega na. Aise nahi hoga ki matlab maine sirf bata diya aur aap us pe koi dhyan na dein, to phir nahi ho payega kuch bhi.
एनीवेज इसको नोट करिए सो दैट आई कैन गिव यू अनदर क्वेश्चन विच यू पीपल विल ट्राई. नोट कर लेना तो बताना प्लीज. डन सर. सबने नोट कर लिया बच्चों? इज देयर एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? नो सर. एज यूजुअल नो साउंड फ्रॉम एनीबडी एल्स. चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं. मास इज इक्वल टू 4 किलोग्राम, लेंथ ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 6 मीटर एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन यू कैन सी इन द डायग्राम. एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिख सकता है, आप डायग्राम में देख पा रहे हो एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, आपको क्या बताना है? यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ दिस रॉड एंड अगेन इट इज इन वर्टिकल प्लेन. मतलब ये रॉड अभी भी कैसे रखी हुई है? इट इज इन वर्टिकल प्लेन. कौन सा प्लेन है ये? वर्टिकल प्लेन. दिस रॉड इज केप्ट इन द वर्टिकल प्लेन. समझ गए? रॉड कैसे रखी हुई है? वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है. आप लोग प्लीज मुझे बताइए खुद से सॉल्व करके. इट इज सेम एज दैट ऑफ द लास्ट प्रॉब्लम. यस सर. द ओनली डिफरेंस इज कि आई हैव गिवन यू द डेटा फॉर दिस क्वेश्चन. जल्दी से आंसर बताएंगे सारे बच्चे, बताएंगे भाई प्लीज. सर 2.5. इज इट ऑन द आंसर फ्रॉम ओनली वन स्टूडेंट और अदर्स ऑल्सो डूइंग समथिंग? व्हाट अबाउट अदर्स? Anybody else? It is the same question as that of the previous one. The only thing is I have just given you the data for this. Otherwise, the question is same as that of the previous one. चलो देखो भाई फिर से. इफ इट इज इन वर्टिकल प्लेन तो एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 40. द होल लेंथ ऑफ द रॉड इज 6 मीटर तो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन द डिस्टेंस ऑफ दिस एम जी विल बी इक्वल टू 3 मीटर बिकॉज यू ऑल नो दैट फॉर रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है? तो रिजिड बॉडी के लिए एम जी इफेक्ट एक्ट्स एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. और बिकॉज यू हैव अ रॉड तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है दैट लाइज एग्जैक्टली एट द इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर. तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है ना. तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई कर रहा है तो इसलिए हम यहाँ से एंड से इसकी डिस्टेंस को ऑब्वियसली वी कैन राइट इट एज 3 मीटर. तो अब हमें मालूम है टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी. टॉर्क इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 120 न्यूटन मीटर.
This is the value of the torque. But what we are supposed to find out is not the torque. We have to find out the value of alpha. Alpha हमें चाहिए. Torque की value नहीं चाहिए, हमें alpha चाहिए. तो हम क्या करेंगे सर? हमें मालूम है 120 is equal to I into alpha. I मतलब moment of inertia of the rod. Moment of inertia का क्या मतलब हो गया? Moment of inertia का मतलब हो गया कि ML square by 3. Now you will have to use the formula ML square. L square will be 36 divided by 3 into alpha. तो ये कितना हो जाएगा? This will become equal to 12, है ना? तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 4. मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये 10 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? This will be equal to 5/2, है ना? 5/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज हरी अप. ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर. I am only getting the response from, I guess, from Devansh only, right? I don't know about others. Baki log sab shant hain. Arushi, where were you? Arushi. Yeah, aap log mic bhi unmute nahi kar paate hain kya? Ye karna chahte hain. Hi, Arushi. Arushi. Anyways, भाई बाकी बच्चे नोट कर लो भैया इसको. सर कर लिया. कर लिया, ठीक है जी सर. चलो तो इसी का एक नेक्स्ट वाला करो. तो बिल्कुल सेम, फिर से वही रॉड. It is placed horizontally, which can only rotate in the vertical plane. Horizontally है and can rotate in the horizontal plane. Vertical plane. ये axis of rotation है. This is hints about this point. ठीक है? Length of the rod, फिर से मान लीजिए कि कुछ भी मान लीजिए आप. Length of the rod is 4 meter. Mass of the rod is equal to 6 kilogram. ठीक है? आपको बताना कि if it rotates, what would be the value of alpha? सर सेंटर से हो रहा है इसका रोड ए वार. नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ. ये सेंटर पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड आई हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑन दिस एंड एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन व्हिच आई हैव अप्लाइड ऑन दिस एंड. ठीक है, ये सेंटर पे हिंज्ड है. इफ यू वांट टू विजुलाइज दिस, आई कैन विजुलाइज, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड बाई स्विचिंग ऑन माई वीडियो. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. और जिसको नहीं समझ में आए प्लीज यार माइक अनम्यूट करो, बोलो. आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये बोलते भी नहीं हो, समझते भी नहीं हो. ये हिंज्ड है. इवन इफ यू विल लूज योर फिंगर देन ऑल्सो इट विल नॉट रोटेट. अब मुझे कोई बता सकता है कि वाई दिस रॉड इज नॉट रोटेटिंग when I am holding this rod from the center, then why the rod is not rotating? Previously when I was holding this from here or from this point or from this point, so this rod will get rotated. But when I hold this rod from exactly from its center of mass, I can see that this rod is not rotating. Doesn't matter kitna aap ungli ko loose kar lo, ye rod rotate karta hua nahi nazar aayega. Ab karke dekh lo. You just hold your pen exactly from its center. Karke dekho bhai sare bacche, I think you will be having your pen in your hand, right? Just hold that pen with the help of these two fingers, means the thumb and the first finger. Just hold it and try to hold it from the center. Aap hi observe karoge ki although you have loosened up the fingers, but it is not rotating. Kar pa rahe ho feel? Bhaiya, aap isko beech se pakdo. Yes, sir. Isko beech se pakdo. Everyone, please switch on your video. Everyone, please switch on your video. I am saying everyone, please switch on your video and show me how you are holding the pen. ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ लिया, ऐसे यहां से पकड़ो, है ना? क्या ये रोटेट कर पा रहा है? नो सर, नहीं कर रहा ना. अगर यही रॉड आप यहां से पकड़िए विद द सेम फोर्स विथ योर फिंगर्स, इसी को आप एंड से पकड़िए, ठीक है? और इसको देखिए रोटेट कर रहा होगा.
एंड से पकड़िएगा तो ये रोटेट कर जाएगा. सेंटर से पकड़िए, ट्राई टू होल्ड इट फ्रॉम योर ट्राई टू होल्ड दिस पेन फ्रॉम द सेंटर. आप ये ऑब्जर्व करेंगे ये नहीं रोटेट करेगा. अभी सबको क्लियर है ये बात? आरुषि मिश्रा एंड आराध्या कौशल, आरुषि मिश्रा एंड आराध्या कौशल, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. आरुषि मिश्रा एंड आराध्या कौशल, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. आरुषि एंड आराध्या, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. एनीवेज यार, बाकी लोग अब अपने वीडियो को आप स्विच ऑफ कर सकते हैं आपकी मर्जी. अब मेरी बात समझिए, एक मिनट रुकना. हाँ भाई बच्चों, आप लोगों को ये क्लैरिटी आ गई कि मैंने क्या बोला है? मैंने आपसे बोला कि अगर आप उस रॉड को जो आपके हाथ में पेन की तरह है, एक बार जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं, उसको अगर आपने सेंटर से होल्ड करा है तो ये रोटेट नहीं कर रहा है. तो इसको अगर मैं रोटेट करवाना चाहता हूँ तो आई हैव टू अप्लाई सम एडिशनल फोर्स, है ना. अगर ऐसे फोर्स लगा दिया तो अब दिखता है मुझे रोटेट करता हुआ. कैन एनीबॉडी टेल मी कि बिना इस फोर्स के व्हाई इट इज नॉट रोटेटिंग बाय इटसेल्फ, जबकि अगर मैं कहीं और से पकड़ू so you will observe that this rotate by itself only, you will not have to apply any external force. theek hai, aap bina koi force apply kiye dekho ye rotate kar jata hai, lekin jab hum center se pakadte hain to without some other additional forces it doesn't rotate by itself. koi mujhe bata sakta hai, koi idea aap logon ko kyun aisa ho raha hai ki ye center se pakadne par khud se rotate nahi ho raha hai, lekin agar main isko kahin aur se pakad lu other than center to ye khud se rotate kar jata hai? anyone, koi bhi कुछ आइडिया? क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है. एफ एक्सटर्नल जीरो का मतलब कि आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ये कहना इक्विलिब्रियम में है, वो मतलब बैलेंस्ड है. हाउ एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स इक्विलिब्रियम नाउ? सर एमजी, क्योंकि दोनों साइड एल बाय टू है तो वो बैलेंस हो जा रहे हैं. बिल्कुल सही बात भाई. बाकी सारे बच्चे सुन लें, एमजी पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, अभी हमने यही बात की थी. और यहां पर ये जो mg है, ये mg वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास से अभी भी पास कर रहा है, बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आल्सो एट द सेंटर ऑफ मास, है ना. एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहां पर है? सेंटर ऑफ मास पर. और mg भी कहां पर है? सेंटर ऑफ मास पर. तो जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहीं पर आपका फोर्स भी है बेटे. आपको मैंने बताया था कि इफ द फोर्स पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई रिपीट, कि अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा हो, इफ अ फोर्स पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इटसेल्फ, तो उसका टॉर्क जीरो होगा. इफ अ फोर्स पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन इटसेल्फ, तो टॉर्क कितना होगा? तो टॉर्क जीरो होगा. ठीक है, तो mg का टॉर्क अब बताओ तो कितना हुआ बेटा? सॉरी सर, क्वेश्चन नहीं. व्हाट विल बी द टॉर्क ड्यू टू mg अबाउट द सेंटर ऑफ द रॉड? सो जीरो. जीरो भाई, ये अभी भी सबको क्लियर है? आराध्या एंड आरुषि, mg का टॉर्क जीरो होगा. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है इसलिए mg का टॉर्क जीरो. तो अब यहां पर अगर आप टॉर्क देखेंगे तो ओनली दिस फोर्स विल प्रोवाइड यू द टॉर्क, और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं ओनली दिस फोर्स विल प्रोवाइड यू द टर्निंग इफेक्ट.
और ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको बोला हुआ है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर होगा या नहीं होगा बेटे, देखो तो। यस सर, ठीक है। तो अगर ये 2 होगा तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 × 2, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस टॉर्क को क्या करना है बेटे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कर देना है, तो 40 इज इक्वल टू आई। अब सेंटर पे हमने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है, तो सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। मास ऑफ द रॉड इज 6, एल स्क्वायर मतलब 16, एल का स्क्वायर मतलब 16 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉट, मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 12 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 6। विल यू बी एबल टू फाइंड द फाइनल वैल्यू फ्रॉम दिस? यस सर। देखो, इफ देर इज एनी फोर्स विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ, तो हमेशा याद रखिएगा कि द टॉर्क ड्यू टू दैट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इटसेल्फ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, if there is any force which passes through the axis of rotation itself, I repeat, if there is any force which passes through the axis of rotation itself, तो इसका उस force का torque will always be equal to zero. The torque due to that force will always be equal to zero. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Yes sir. इसको नोट करिए सर। डन सर। चलिए नोट कर लिया हूं, तो आगे बढ़े। यस सर। बच्चों, यस सर, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो लेटेस्ट टॉक फॉर द, अब देखो ये तो हो गया सर हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा पे बेस्ड हमने बात कर ली कि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। That means ke all this whatever we have done today, it was based on the relation between the torque, moment of inertia and angular acceleration. I repeat, jo abhi humne kara hai wo kis pe based tha, torque pe based tha, moment of inertia aur angular acceleration pe us relation pe based tha, jo kehta hai torque is equal to I into alpha. I hope aapko meri baat samajh mein aa gayi hogi, to let us proceed now. Ab dekhiye sir, rotation mein एक और चीज हम समझेंगे जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम, एंड आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर नाउ प्लीज। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, आई होप सब सुन पा रहे हैं, है ना। जो लोग रिप्लाई नहीं भी कर रहे हैं शायद वो भी सुन पा रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर, एंगुलर मोमेंटम जैसे हमने बोला था टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है सर टॉर्क की, टॉर्क का क्या मतलब होगा, तो टॉर्क का मतलब हमने बोला था कि सर टॉर्क इज, टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ अ फोर्स विच रोटेट्स द बॉडी, या आपको ऐसे मैंने बोला था कि मतलब टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, है ना। तो इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है तो उसमें मास भी है और उसकी वेलोसिटी भी है, मास भी है और उसकी वेलोसिटी भी है, तो मास और वेलोसिटी दोनों है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वॉज कंसिडर्ड एज द लीनियर मोमेंटम, अगर आपको याद है तो। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, आई विल रिपीट इट अगेन। मैं आपसे कह रहा हूँ सर कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चल रही हो, आपने पढ़ा था ना इससे पहले लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या था कि अगर कोई पार्टिकल है इसका मास m है एंड इट इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v।
तो आपने क्या बोला था, आपने बोला था कि इसमें एक मोमेंटम होगा विच विल बी कंसीडर्ड एज लीनियर मोमेंटम एंड दैट वाज इक्वल टू एम इनटू वी, याद है? यस सर, यस सर। अरे फाइनली किसने बोला, आराध्या बोल रही है या आरुषि ने बोला? सर आराध्या। हाँ तो अभी इतनी देर तक आप लोगों ने क्यों नहीं बोला, मतलब पता नहीं कितनी बार मैंने आप लोगों के नाम लिए। हाँ भाई बच्चों, आराध्या अभी आप लोग क्यों नहीं बोल रही थी? पता नहीं, फिर चुप हो जाएंगी आप। खैर, तो अगर पार्टिकल या कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो उस केस में उसमें मोमेंटम होता है जिसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। इन द सेम वे अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है बेटा, तो बाय वर्च्यू ऑफ रोटेशन ऑल्सो इट विल हैव मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का बेसिक मतलब मैंने आपसे बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज नोन एज इट्स मोमेंटम। मतलब मोमेंटम क्या है, तो बॉडी के अंदर मोशन के कारण, ड्यू टू इट्स मोशन, द स्ट्रेंथ विच इज कंटेन्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसी को हमने मोमेंटम बोला था। याद करिए भाई, जितना फास्ट बॉडी चलेगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, जितना मास ज्यादा होगा बॉडी का उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। तो ड्यू टू द मोशन बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ ऑफ मोशन कंटेन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो इन द सिमिलर वे अगर कोई बॉडी रोटेट करे, फॉर एग्जाम्पल फैन, आपका फैन का जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन है। अब आप क्या करिए, जाके फैन को पकड़ने की कोशिश करिए, चलते हुए फैन को, तो क्या आप कंफर्टेबली पकड़ पाएंगे या आपका हाथ भी कट सकता है? सर हाथ कट सकता है, कट सकता है ना। इसका मतलब है कि बाय वर्च्यू ऑफ द रोटेशन दैट फैन ऑल्सो हैज गॉट सम स्ट्रेंथ ऑफ मोशन। अरे इस फैन में भी क्या है, फैन ऑल्सो हैज स्ट्रेंथ ऑफ मोशन इन इट, और वो स्ट्रेंथ ऑफ मोशन किस मोशन की वजह से है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशनल मोशन। तो ये जो रोटेशनल मोशन या ड्यू टू द रोटेशनल मोशन जो रोटेटिंग बॉडी की स्ट्रेंथ ऑफ मोशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। इसका क्या मतलब है, अब फर्दर और बात कर ली जाए, थोड़ा मैथमेटिकल व्यू देख लें। मान लीजिए मेरे बच्चों के, लेट मी कंसिडर दिस एज द टू एक्सिस, and in this somewhere here you are having a particle and this particle is going this way and the mass of this particle is m, velocity of this particle is v, matlab is particle ka jo linear momentum hai that is equal to mv, aur ye aapne origin maan liya yahan par, to is origin ke respect mein agar aap dekhoge to is particle ko, ye particle yahan par hai, bolo ha, ye yes, particle ka position vector ye dikhai de raha hai sabko? Yes sir, mujhe ek baat batao, फिर से आप लोग मुझे एक बात समझाने की कोशिश करो। अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इट्स पोजीशन वेक्टर इज हियर, अगर ये पार्टिकल यहाँ होगा तो पोजीशन वेक्टर यही रहेगी या पोजीशन वेक्टर चेंज होगी? सर चेंज होगी। पार्टिकल आगे बढ़ गया तो यहाँ से एक वेक्टर ज्वाइन करो इसको, तो पोजीशन वेक्टर बदल रही है ना। पार्टिकल और आगे बढ़ा तो पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग और नॉट, मतलब जो एंगल है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग और नॉट? यस सर चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इस केस में मेरे लिए इस पार्टिकल में एंगुलर मोमेंटम होगा, पार्टिकल विल हैव एंगुलर मोमेंटम, पार्टिकल विल नॉट ओनली हैव लीनियर मोमेंटम, पार्टिकल विल हैव एंगुलर मोमेंटम, समझ रहे हो? एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट एंगुलर मोमेंटम, तो अगर पार्टिकल का एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो मतलब एंगुलर मोमेंटम होगा। एक बात सीधी बात याद रखो, अगर पार्टिकल का सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, अगर पार्टिकल का सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो पार्टिकल में लीनियर मोमेंटम होगा, और पार्टिकल का अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो पार्टिकल में एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या बात समझ में आ गई, आसान सा तरीका याद रखने का? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आप देखिए इस पार्टिकल में एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम इज रिटन एज आर क्रॉस पी। बेटा ये फॉर्मूला है सीधा सीधा, इसके कोई डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे, ना इसका डेरिवेशन आपको करना है। सीधी बात याद रखिएगा कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर, आर क्या चीज है बेटा, पोजीशन वेक्टर, और पी क्या चीज है, पी इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यस सर, यहां तक बात समझ में आ गई।
इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, आर पी साइन थीटा। ये कैसे लिखा आपने, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आर पी साइन थीटा कैसे लिखा, क्योंकि आपको मालूम है दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लो ए क्रॉस बी तो दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो वैसे ही यहाँ पर दो वेक्टर कौन कौन से हैं, वन यू आर हैविंग आर विच इज द पोजिशन वेक्टर एंड द अनदर वन यू आर हैविंग लीनियर मोमेंटम, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, आर क्रॉस पी, तो आर क्रॉस पी विल बी इक्वल टू व्हाट, तो आर क्रॉस पी विल बी इक्वल टू आर पी साइन थीटा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अच्छा बेटा इसी में अगर थोड़ी सी और बात कर लें, अगर मान लो कि इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, कर लें, कैन वी एक्सटेंड दिस लाइन, ठीक है, ये जो लाइन, ये कौन सी लाइन एक्सटेंड कर रहे हो, लाइन ऑफ वेलोसिटी कह सकते हो या लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह सकते हो, आइदर कॉल इट एज लाइन ऑफ वेलोसिटी या इसको कह लो आप लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, उसको एक्सटेंड कर लें और यहां से हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। आई रिपीट, यहां से इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं वरना फिर तुम समझने में दिक्कत करोगे, तो यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। किस पे ड्रॉप कर रहे हैं हम परपेंडिकुलर, ये किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा हमने बेटा, ये जो लाइन ऑफ वेलोसिटी को हमने एक्सटेंड किया ना उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कहां से किया, एक्सिस, ये इसको दूसरे ओरिजिन, ओरिजिन को दूसरे शब्दों में यहां पर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मान सकते हैं, ठीक है, यही जो हमारा ओरिजिन है उसी के अबाउट तो हम पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है बच्चों। यस सर, यस सर, ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, तो यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। तो इस ट्रायंगल को देखो, इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वाला जो डिस्टेंस है ग्रीन लाइन, इसकी जो लेंथ होगी दिस विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा, देखो, यस सर, होगी होगी, तो इसका मतलब है एल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी इंटू आर परपेंडिकुलर, मतलब एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हम ऐसे भी लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई रिपीट, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर, यस सर, ठीक है, ये फॉर्मूला जो नोट करिए आप, डन सर, ये सबने लिख लिया बच्चों, बच्चों यस सर, सबने लिख लिया, ठीक है, तो अगर सबने लिख लिया तो आगे बात करते हैं इस पर। अब देखो ये अगर आपको बात समझ आ गई है तो चलो एंगुलर मोमेंटम मैं एक दो क्वेश्चन के फॉर्म में आपको लिख के समझाता हूँ। मान लीजिए बेटा कि आप किसी पार्टिकल को यहां से खड़े होके देख रहे हैं, ये आप मतलब इसको आप ओरिजिन कह सकते हो या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपके लिए, और आपको ये यहां से एक पार्टिकल है जिसको हमने ड्रॉप कर दिया, दिस पार्टिकल हैज बीन ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब समझते हैं, समझते ही होंगे, पार्टिकल यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप्ड का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, एक तो वो मतलब आप समझते ही हो, वो एक अलग बात है, ठीक है, बट इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। चलिए भाई बहुत बढ़िया साहब, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका मास मान लेते हैं कि लेट द मास बी इक्वल टू 2 किलोग्राम एंड लेट मी अज्यूम दैट कि दिस पार्टिकल हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। कितने मीटर से ड्रॉप किया आपने, इट हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल
आफ्टर 2 seconds. ठीक है, इस पार्टिकल का क्या निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कितनी देर के बाद, 2 सेकंड के बाद. ठीक है, कितनी देर के बाद, 2 सेकंड के बाद. किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे आप, तो ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखा है उसके रेस्पेक्ट में आप निकालेंगे. और ये यहां से यहां का जो डिस्टेंस लिया गया है दैट इज टेकन एज 40 मीटर. ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब पार्टिकल जिस लाइन पे आ रहा है ना, उस लाइन का डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 40 मीटर. ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नोट करिए. ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो पहले तो हम फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करते हैं. द इजिएस्ट वे ऑफ राइटिंग द एंगुलर मोमेंटम इज दिस, कि आप एंगुलर मोमेंटम लिखिएगा लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट. ठीक है, कहां से, तो दैट विल बी रिटन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जहां आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन माना है वहां से. समझ गए? Yes, sir. पहले ये बात समझ में आई. अब अगर आपको लीनियर मोमेंटम लिखना है तो फॉर लीनियर मोमेंटम यू ऑल नो दैट कि लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो मास वेलोसिटी भी तो चाहिए होगी आपको, तो mvr परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों. ठीक है, yes, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना. अच्छा बच्चे भाई, बहुत बढ़िया सर. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो ये लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब लाइन ऑफ वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम जो भी कह लो, इसमें पहले तो मुझे आप ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर परपेंडिकुलर इन दिस केस? कैन एनीबॉडी टेल मी, एनीबॉडी विल सजेस्ट व्हाट इज द वैल्यू? कितना बेटा? सर 50 मीटर. 50, फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट दैट 50? सर आपने हाइट ड्रॉप दी थी तो मतलब उसे अगर नहीं बेटा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लाइन ऑफ वेलोसिटी, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो देखो, this particle is moving along this line, blue wali line, है ना? Yes. So this is the line of velocity. अगर ये line of velocity है, तो उस line पे आपको perpendicular drop करना है. कहाँ से? From the axis of rotation. The 40 meter. ठीक है? तो ये yes, ये perpendicular distance सबको समझ में आया कि it will be 40 meter? Yes, sir. चलो यार, एक ही बच्चा बोलता है, चलो मैं एक ही को पढ़ा रहा हूं ना. चलिए देखिए, तो 2 सेकंड के बाद देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू तो फिक्स्ड है, इट विल रिमेन एज 40 मीटर. देखो ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की, तो आर परपेंडिकुलर तो हमेशा 40 मीटर ही रहेगा. दैट इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन टू दिस वेलोसिटी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो हमेशा कितना रहेगा, तो दैट विल ऑलवेज बी 40. ठीक है, अब आपको क्या चाहिए होगी, आपको चाहिए होगी वेलोसिटी. कितनी देर के बाद? 2 सेकंड के बाद. सोचिए, तो 2 सेकंड के बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वो हमें निकालना है. तो अब देखो, इस पार्टिकल को आपने अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी छोड़ दिया है, मतलब आपने ऊपर से नीचे आपने पार्टिकल को रिलीज कर दिया है. तो पार्टिकल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी 2 सेकंड के बाद? तो हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय 2. तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड. दिस विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड. तो एंगुलर मोमेंटम आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ द पार्टिकल व्हिच आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू एज 2 इनटू वेलोसिटी 20 इनटू r परपेंडिकुलर. r परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 40. तो ये कितना हो जाएगा, 1600 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, व्हिच इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दिस इज द वैल्यू. अब देखो, इसमें किसको नहीं समझ में आया प्लीज पूछो भाई. आगे सर, देख लीजिए, इसको नोट करिए.
नोट कर लिया सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसा ही एक और करते हैं. यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है और ये हमने फेंका है 37 डिग्री पर. ये वेलोसिटी मान लीजिए कि दिस वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड और मास ऑफ दिस इज इक्वल टू मान लीजिए फिर से 2 किलोग्राम. ये ओरिजिन है. ठीक है, आपको बताना है कि जब ये पार्टिकल अपने हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा, ये प्रोजेक्टाइल है और जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा, है ना, ये पार्टिकल अपने हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो उस केस में इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताना है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. ठीक है, व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन या हाईएस्ट पॉइंट जो भी कह लें आप, when the particle is at highest position find the angular momentum of the particle with respect to this origin. Please question ka statement likhiye. Find the angular momentum of this particle. Find the angular momentum of the projectile with respect to the origin when it is at highest position. फिर से मैं repeat कर रहा हूँ. Find the angular momentum of the projectile with respect to the origin. Origin मतलब point of projection. Find the angular momentum of the particle with respect to the origin when it is at its highest position. नोट कर लिया. कैसे करें, कोई मुझे आइडिया देगा सर? आपका u cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g करके h max निकल जाएगा. और बहुत बढ़िया, u cos थीटा का होल स्क्वायर नहीं, u sin थीटा का होल स्क्वायर. सॉरी सर, u sin थीटा का. हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. देखिए, जिनको आपको कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, बाकी लोग पता नहीं. यहाँ देखिए, यहाँ पर जो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ यू कॉस थीटा होती है. मतलब यू विल बी हैविंग वेलोसिटी ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि जो वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पर जीरो होती है ना. हाईएस्ट पोजिशन पे वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होती है, ये हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था. अब देखिये, ये लाइन ऑफ वेलोसिटी है, इसको एक्सटेंड कर दो. लाइन ऑफ वेलोसिटी दिखाई दे रही है, इसको बढ़ा दो. ठीक है, ताकि हम इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में या एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सके. तो अगर आप देखिएगा, ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, तो एग्जैक्टली उतनी होगी जितना हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है. क्या देखो ये सारे बच्चे, देखो यार, इस परपेंडिकुलर की लेंथ उतनी ही होगी जितना ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है. हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और इस परपेंडिकुलर की लेंथ एग्जैक्टली इक्वल है. इसका मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दिस विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बराबर होगा. तो अब एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू व्हाट, m इनटू v इनटू r परपेंडिकुलर लिख सकते हैं. m की वैल्यू कितनी है, तो मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल मैंने बोला 2 ले लो. v की वैल्यू का मतलब ये हुआ कि कौन सी वेलोसिटी है, सिर्फ u cos थीटा. ये तो है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के केस में u cos थीटा इज द ओनली वेलोसिटी व्हिच, मतलब u cos थीटा नेवर चेंजेस. ये वेलोसिटी हमारी जब आपने फेंका था ये 20 थी, ये एंगल 37 था. तो इसका जो u cos थीटा आएगा, है ना, इसका जो u cos थीटा और u sin थीटा निकालो, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द टाइम व्हेन यू हैव थ्रोन द ऑब्जेक्ट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इन दोनों की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 20 cos 37 मतलब कितना हो जाएगा, 4/5. तो इसका मतलब ये 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 × 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड. समझ गए? और हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ वेलोसिटी जो है दैट इज योर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. हाईएस्ट पॉइंट पे यू आर ओनली हैविंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 16. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा.
आर परपेंडिकुलर आपने क्या बोला, तो आर परपेंडिकुलर यहाँ पर आपने बोला कि आर परपेंडिकुलर इज एक्जैक्टली इक्वल टू हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो आर परपेंडिकुलर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बराबर है तो क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं ये भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी, ये भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी, और यू साइन थीटा की वैल्यू मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, तो 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर लिख दीजिए डिवाइडेड बाई टू जी, टू जी का मतलब 2 इंटू 10 हो जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, तो दिस विल बी इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 12 का स्क्वायर इज 144 डिवाइडेड बाई 10, ये सॉल्व कर लेना, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड विल बी योर एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। डन से नोट कर लिए। सभी ने नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखिए एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी। इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट लिखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। इसको नोट कर लिया बेटा। नेक्स्ट लिखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। लिख लिया सर। देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि मैं इंस्टेड ऑफ, अभी जो हम लोग लिख रहे थे वो पार्टिकल के लिए लिख रहे थे, अब अगर हम कोई रिजिड बॉडी लेने, मान लो कि ये कोई रिजिड बॉडी किसी भी शेप की हो यार, ये रिजिड बॉडी है, दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे बोला था कि आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल अगर देखेंगे तो हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, ईच एंड एवरी पार्टिकल विल बी गोइंग ऑन द सर्कुलर पाथ, हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा, इसका मास है m1, इसका मास है m2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, ठीक है, हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा, और हर पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, बट एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी बट लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल की अलग अलग होगी, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, आप लोगों को एक रिलेशन याद होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, लीनियर वेलोसिटी इज रिटन एज एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑन विच द पार्टिकल इज मूविंग, तो इसमें हर पार्टिकल का रेडियस, चूंकि हर पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग है, तो हर पार्टिकल का रेडियस भी अलग अलग है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, भले एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होगी, यहां तक बात समझ में आ गई। तो मान लो मैं इस वाले पार्टिकल, पहला वाला जो पार्टिकल उसका लीनियर मोमेंटम लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, m1 मल्टीप्लाइड बाय v1 इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m1 मल्टीप्लाइड बाय v1 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा r1 मल्टीप्लाइड बाय r1, क्योंकि ओमेगा तो सेम है, ठीक है, तो m1 इनटू ओमेगा r1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से P2 की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, M2 V2 मल्टीप्लाइड बाय R2, इसी तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा 2 R2 इनटू R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, M2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा R2 का स्क्वायर। वैसे अगर मैं nth पार्टिकल को लिख लूं, nth पार्टिकल के लिए, तो ये लिख सकता हूं m मास ऑफ nth पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल, r ऑफ nth पार्टिकल, तो mnth ओमेगा rnth इनटू rnth का ये rnth सॉरी ठीक है RNF, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ nth पार्टिकल इनटू ओमेगा इनटू RNF का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर मैं सारे लीनियर मोमेंटम को ऐड कर दूं ना, मतलब ये तो लीनियर मोमेंटम हो गया पक्का, यस सर, मोमेंटम मैंने गलती हो गई मुझसे, सॉरी, नॉट द लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम,
ये L1, ये L2, ये LNH, ठीक है, सबकी एंगुलर मोमेंटम ये होगी ना, मास इनटू वेलोसिटी इनटू आर परपेंडिकुलर कर रहा हूं, तो ये एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो इसका मतलब नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, नेट एंगुलर मोमेंटम होगा L1 प्लस ऑफ L2 प्लस ऑफ L3 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। तो एल नेट की वैल्यू क्या होगी, एल नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, M1 इंटू ओमेगा R1 का स्क्वायर, इसको लिख लो, प्लस ऑफ M2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा R2 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू कहां तक, MNH ओमेगा RNH का स्क्वायर। तो एल नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा बाहर कर लें, M1 R1 का स्क्वायर प्लस ऑफ M2 R2 का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना, MNH RNH का स्क्वायर, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 प्लस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 एंड सो ऑन अप टू nth मोमेंट, सबको ऐड कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड दैट विल बी आई, तो एल नेट विल बी रिटन एज आई इनटू ओमेगा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी कैन बी रिटन एज आई इनटू ओमेगा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब जैसे रॉड, रिंग, डिस्क, इनका एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, आई इंटू ओमेगा। इसको नोट कर लीजिए सर जल्दी से, डन सर, सबने नोट कर लिया, ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, इतना पढ़ लीजिएगा।